अजनी पुलिस ने एक धार सत्र के तहत कार्यवाही कर करीब 27 जुआ आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों से 9.5 लाख का माल नगद सहित जब्त किया है। 25 नवंबर को काली रात का सहारा लेकर करीब 1:30 बजे के आसपास अजनी पुलिस ने बड़ी छापेमार कार्रवाई करके 27 आरोपियों को गिरफ्त में लिया है। वहीं आरोपियों से 2,94,000 की रोकड़ के साथ मोबाइल और वाहन मिलाकर 9,57,000 का माल जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार रात को पुलिस गश्त करी थी, तभी पुलिस को जुआ अड्डे चलने की खबर मिली। पुलिस ने हरकत में आकर पुलिस पथक को साथ लेकर कार्यवाही की गई। अजनी पुलिस की हद में आने वाले एक परिसर में संदीप नाड़े का घर है। घर की छत पर शेड बनाकर जुआ अड्डा बनाया गया और जुआरी रोज रात वहां पर पैसों की होड़ लगाते पत्ते पिसते बैठे थे। जानकारी मिलने के बाद सहायक पुलिस उपायुक्त नीलोत्पल इन्होंने जाल बिछाकर इस जुआ अड्डे पर चल रहे घर पर धावा बोल दिया और जुआ खेल रहे करीब 27 जुआरों को धर दबोचा। साथ ही इन जुआरों से 3 लाख रकम के साथ साथ इनकी गाड़ियां और मोबाइल मिलाकर 9,57,950 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। वहीं सभी 27 जुआरे को गिरफ्तार में लिया गया। फिलहाल महाराष्ट्र जुआ प्रकरण कायदा के तहत आरोपियों के खिलाफ कलम 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच अजनी पुलिस कर रही है। माननीय पुलिस उपायुक्त परिमंडल क्रमांक 5 नागपुर शहर माननीय नीलोत्पल सर हे काल रात्री रात्रकस्त अधिकारी म्हणून संपूर्ण नागपूर शहराकरता पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना त्यांच्या पेट्रोलिंग दरम्यान त्यांच्या गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की संदीप नाडे व पंकज धोटे हे जुगाराचा अड्डा चालवत असून तेथे काही लोक जुगार खेळावयास बसलेले आहेत। अशा मिळालेल्या माहितीवरून माननीय नीलोत्पल सर यांनी आम्ही त्यांच्या विशेष पथकात कार्यरत असल्या कारणाने आम्हा संपूर्ण स्टाफसह परिमंडळ क्रमांक 5 ऑफिसमध्ये रात्री 1 वाजता जाण्यास सांगितले। त्याप्रमाणे आम्ही संपूर्ण स्टाफसह परिमंडळ क्रमांक 5 ऑफिसमध्ये जमलो व तेथेच 2 पंचांना देखील बोलवून घेण्यात आले। तेथे सर्व हकीकत माननीय नीलोत्पल सरांनी समजावून सांगितली व माननीय नीलोत्पल सरांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्वांनी अजनी येथे जाऊन पंकज संदीप नाडे याच्या घराच्या छतावर रेड केले असता तेथे आपणास 27 आरोपी जुगार खेळताना मिळून आले। तेथे त्यांच्या अंगजर्तीतून व खेळत्याल्या ठिकाणावरून आपणास 2,94,250 इतकी नगदी रक्कम प्राप्त झाली। तसेच त्यांच्याकडील मोबाईल व येण्याजाण्याकरता वापरलेल्या मोटरसायकल असा मिळून 9,54,000 रुपयेचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। हा सर्व जप्त केलेला मुद्देमाल व 27 आरोपी यांना अजनी पोलीस स्टेशन येथे घेऊन जाऊन त्यांच्या विरुद्ध महाराष्ट्र जुगार अधिनियम कलम 4-5 याच्या या अन्वये कारवाई करण्यात आली। ब्युरो रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज।